आज के पिक्चर में क्या होता है हाफ पैंट पहनना चाहिए चड्डी पहन के घूमना चाहिए मुझे वो हिंदू है मुसलमान है उससे हमें मुझे कोई मतलब नहीं है ऐसी बनाई जाए कि जो बच्चों के साथ में बैठ के हम देख सके कम से कम वो आ, कलर जो पहनी है उन्होंने गेरुआ कलर उसका सम्मान रखा होता जैसे हम लोग वन जी टू जी भी नहीं थे और आज के बच्चे फाइव जी मोड पे चल रहे हैं आज के टाइम पे इतनी गंदी गंदी पिक्चर बनाई जा रही है कि अब बच्चों को तो शायद नहीं लगता होगा लेकिन हम लोगों को तो शर्म आ जाए। लाज लज्जा होती थी हमारे बड़े छोटों का सम्मान उसमें होता था खुलेआम ना नंगा नाच होता है नंगी फिल्में बनाई जाती है दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज पकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप पठान फिल्म एक रिलीज होने वाली है जिसके गाने आ चुके हैं और गाने आने के बाद तमाम संगठन उसका विरोध भी, भी कर रहे हैं बनारस में काशी की महिला किस नज़र से उस फिल्म को देखती हैं क्या कुछ खास है या उसमें क्या कुछ गलत है हम जानने की कोशिश में हैं कि किस कि तरीके से पठान लगातार लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और ख़ास करके शाहरुख खान को ये बताइए कि जिस तरीके से ये फिल्म पठान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है क्या कुछ उसमें कमियां हैं नमस्कार मैं वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी भाई साहब आप फिल्म पठान की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो शाहरुख खान की सारी गलती निकाली जा रही है हम लोग भी मानते हैं कि उनकी गलती है लेकिन कहाँ तक वो गलत हैं ये किसी ने नहीं सोचा है अभी तक एक वो आ, जैसे पठान पिक्चर बन रही है उसके वो एक प्रतिनिधि हैं जैसे हम लोगों को ये बीजेपी राज्य के जो अब हम लोग हैं मोदी जी के समर्थक हैं तो ये होता है कि आप इधर घूमिए तो इधर घूमते हैं उधर घूमिए तो उधर घूमते हैं तो ऐसे ही शाहरुख खान जो मूवी इस समय रिलीज़ अभी तो हुई नहीं है उसके कुछ गाने आए हुए हैं तो इसके लिए किसको दोषी ठहराया जाए आदित्य चोपड़ा जी को शाहरुख खान को दीपिका पादुलकर को किसको गलती सही मायने में ठहराया जाएगा क्योंकि गलती तो यहाँ पे सबकी है एक को क्यों गलत कहा जाए आज हम लोग बोल रहे हैं शाहरुख खान गलत हैं गलत हैं मुझे वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं उससे हमें मुझे कोई मतलब नहीं है वो एक पिक्चर बनाए हैं जिसके वो प्रतिनिधि हैं जो डायरेक्टर है उसको आप बोलिए टारगेट तो वो है ना वो अगर मूवी नहीं दिए होते शाहरुख खान को तो ये मूवी बनती कैसे अच्छा ये बताइए कि जो कलर को लेकर है भगवा कलर को उसमें लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं का प्रतीक है तो क्या भगवा कलर अगर कोई पहन रहा है तो क्या कुछ दिक्कतें हैं देखिए भगवा कलर पहनने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे योगी जी और मोदी जी जो हमारे बनारस या फिर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ये हमारे हिंदुत्व का जो प्रतीक है गेरुआ कलर इसको पहनना और इसका मान और सम्मान बनाए रखना बहुत बड़ी बात है अगर हम गेरुआ रंग को हमारे हिंदू का प्रतीक मानते हैं तो अगर जिस गाने में दीपिका जी ने ये ड्रेस पहनी है तो कम से कम वो कलर जो पहनी है उन्होंने गेरुआ कलर उसका सम्मान रखा होता कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है गेरुआ कलर पहनने में कोई बुराई नहीं है लेकिन हिंदू का जो हम लोग हमारे योगी जी बोलते हैं कि हमारा राष्ट्र हिंदू का गेरुआ कलर प्रतीक है तो कम से कम उसको लज्जा तो समझ में आनी चाहिए उसमें भगवा को लेकर इस तरह की बात कहेंगे लेकिन हम एक महात्मा से बात किए तो कहते हैं कि हर कपड़ा भगवा नहीं हो सकता उसके लिए तमाम तरह की विधि विधान से पूजा पाठ होता है तंत्र विद्या उस पर यूज की जाती है और जो कलर चढ़ता है वो आम कलर नहीं होता है तो आप कैसे मान लेती हैं कि वो जो कलर है वो भगवाई है देखिए कलर मान लेने से और नहीं मान लेने से नहीं होता है ऋषि मुनि यहाँ कौन कौन क्या क्या बातें करते हैं बहुत से लोग बहुत तरीके की बातें करते हैं क्या वो जो कपड़ा पहनते हैं उसको अपने साधु होने का प्रतीत मानते हैं क्या वो उसको वो आइडल बना के चलते हैं कि हाँ जो हम कपड़े पहने हैं वो हमारा प्रतीत है और इसको कोई और नहीं पहन सकता अगर पहनेगा तो अपने धर्म के अनुसार पहनेगा ऐसा नहीं है भगवा कलर अगर हिंदू का प्रतीत माना गया है हमारे यहाँ देश में सभी कोई आप बनारस जैसे शहर में हैं इस समय हम लोग इस समय आप यहाँ के बच्चे से भी पूछ लीजिए या बड़े से भी पूछ लीजिए वो यही कहेगा गेरुआ रंग हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है ठीक है और भी महिला है ये बताइए कि जो फिल्म देखी है आप उस फिल्म के बारे में क्या कुछ कहेंगे बस मैं यही चाहती हूँ कि इन्होंने जो गेरुआ कलर पहना है अपनी लज्जा को रखते हुए थोड़ा सा समझदारी दिखाई होती अच्छा ये बताइए कि जो आ, अभी आप लोग गाना देखें कि नहीं पहले बताइए नहीं मैं गाना वाना तो नहीं देखी लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पिक्चर ऐसी बनाई जाए कि जो बच्चों के साथ में बैठ के हम देख सकें अब बच्चे भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं इतनी आज के टाइम पर इतनी गंदी गंदी पिक्चर बनाई जा रही है कि अब बच्चों को तो शायद नहीं लगता होगा लेकिन हम लोगों को तो शर्म आ जाती है ठीक है आप ये बताइए कि जिस तरीके से ये पिक्चर आने वाली है इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप ये पिक्चर आना गलत बात नहीं है आ, लेकिन पिक्चर अगर बच्चे देख रहे तो पिक्चर सही बननी चाहिए लेकिन इसमें खाली शाहरुख खान की गलती नहीं है गलती उन डायरेक्टर की भी जिसने बनाई है डायरेक्टर बनाते हैं तभी पिक्चर आती है ना शूट होती है ना बिना डायरेक्टर के तो शूट होती नहीं है तो हम ये जानते हैं कि इसमें सबकी गलती है शाहरुख खान की गलती नहीं है ठीक है एक चीज़ बताइए कि हर घर में वो स्मार्टफोन है मम्मी पापा यही जानते हैं कि हमारा बेटा पढ़ रहा है लिख रहा है लेकिन आम तौर पे ये देखा जाए कि वेब सीरीज़ बहुत सारे लड़के लड़कियां देख रहे हैं आप उस पर क्या कहेंगे वेब सीरीज़ तो बनाई जा रही है तब ना बच्चे देख रहे हैं हम लोग तो मोबाइल फ़ोन अपने बच्चे की सुविधा के लिए देते हैं कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है कहाँ है किस स्थिति में है अगर उसके ऊपर कोई विपदा आई है तो हमें पता चल सके लेकिन वे वेब सीरीज़ जो बन रही है इतना खुलेआम नंगा नाच होता है नंगी फिल्में बनाई जाती है जो कि बहुत ही हम लोग एक बार सोचते हैं देखने के लिए बच्चों की तो बात ही दूर है और आज कल का जनरेशन आप लोगों को भी पता है पूरी दुनिया को पता है कि जैसे हम लोग वन जी टू जी भी नहीं थे और आज के बच्चे फाइव जी मोड़ पे चल रहे हैं तो हमारा सरकार से यही अपील है कि ऐसी फिल्में ना बनाई जाए जिससे हमारे घर के क्या हमारे देश के कोई किसी भी परिवार के बच्चे ख़राब हों क्योंकि ये जो हम लोग पठान मूवी की बात कर रहे हैं सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जी जो हैं इनको ये चीज़ संज्ञान में लेनी चाहिए और ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए ठीक है आपकी जो बात सही है लेकिन केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है तो उस सरकार इस पर क्यों नहीं निगरानी रखती है वो उसको देखती है कि नहीं इसमें भगवा है चाहे जो भी दिक्कत है उसको बंद कर देती आपकी बातें एकदम सही है सरकार अभी कहाँ कहाँ देखेगी आप ये बताइए अभी कहीं किसी का घर टूट जाता है तो सरकार को ये ब्लेम करती है कि अरे बाबा का बुलडोजर चला हमारा घर टूट गया किस लिए टूट गया ये तो नहीं सोचा जाता और फिल्म की बात यहाँ तक है तो फिल्म की के डायरेक्टर से लेके हमारे मोदी जी को भी आ, ये है मतलब ध्यान में लेना चाहिए ये चीज़ कि ऐसी फिल्में ऐसा तो नहीं कि उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होंगी उनके भी नॉलेज में होंगी तो ऐसी फिल्में ना आए जो कि हमारे मैं फिर वही बात कहूँगी हमारे घर के बच्चे खराब हों ठीक है अच्छा इतने सारे आप लोग हैं अभी तक का सबसे बेहतर पिक्चर कौन दिखा जो आप लोग घर में बैठकर देख देख सकते हैं हमने देखा है भगवान मूवी आप भगवान भगवान दूसरी दूसरी मूवी कहेंगे हम साथ साथ हैं पहले की मूवी आप उठा के देख लीजिए उसमें सभ्यता होती थी लाज लज्जा होती थी हमारे बड़े छोटों का सम्मान उसमें होता था अपने पिताजी दादाजी भाई से कैसे बात करते हैं यह सम्मान मुझे पिक्चर देखने से मिलती थी मेरे घर में जो संस्कार मिलते हैं वो बात दूसरी है लेकिन कहा गया है कि आज के जीवन में जो हमारे ऊपर बीत रहा है वही पिक्चर में दिखाया जाता है लेकिन उस पिक्चरों को देखने से हम लोगों को ये मिलता था कि नहीं हमको भी ये चीज़ करना चाहिए और सीखना चाहिए आज के पिक्चर में क्या होता है हाफ पैंट पहनना चाहिए चड्डी पहन के घूमना चाहिए जितना खुला कपड़ा पहनो उतना अच्छा है नहीं जितना शरीर हम अपना तन को ढाकेंगे उतना अच्छा है तो आप सुन रहे थे पठान को लेकर काशी की महिलाएं बिल्कुल इनका कहना है कि ये पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए थी सच बात है कि जिस तरीके से ये पिक्चर बनाई जा रही है तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए जो सेंसर बोर्ड बैठा है दिल्ली में उसको भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से लगातार उस पर ट्रोल किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आहत भरने वाली ये बातें हैं तो लगातार एक हम रिपोर्ट दे रहे थे हमारे साथ बने रहे न्यूज पकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें डब्ल्यू पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें